दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर और पंचायत राज एडीसी भर्ती 2013 की मांग को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा जी से आज हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वो एलडीसी भर्ती 2013 में जो 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनके मामले में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। जो पिछली मीटिंग हुई थी, मामला उस मीटिंग में था भी नहीं, लेकिन पीसी चीफ ने उस मामले को रखा मजबूती से और उन्होंने कहा देर से ही लेकिन ये भर्ती जरूर होगी। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भर्ती आपकी जरूर होगी। तो एलडीसी पंचायत राज 2013 का बैठक में कहना चाहूंगा मैं कि रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोगों ने विश्वास भी जताया, आप लोग लगातार मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, मुझसे आप बड़ी आशाएं करें, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। हालांकि अब कोरोना स्थिति है, हमने आपकी बात मजबूती से रखी है, आपकी भर्ती में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी भर्ती जरूर होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आपका मैं पूरा साथ दूंगा जब तक आपकी एक और सूची जो आपके जारी न हो। इसके अलावा रीट 2018 के जो मेरे साथी हैं, दोस्तों आपको जिन लोगों ने टाइम दिया था 25-30, उस समय निकल चुका है और 10 भी निकल जाएगा। मैंने लाइव प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जो 6 महीने वाला जो नियम है उसमें बदलाव हो रहा है, स्वीकृता दी जाएगी। वो बात आज शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कार्यभार फाइल की गई है, बीकानेर निदेशालय के द्वारा काम कंप्लीट कर लिया गया है, वहाँ से नियमों में शिथिलता मिलते ही 10 तारीख के बाद आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने घोषणा कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए है, मैंने खुद ने निर्देश दे दिए हैं, तो आपकी सूची आएगी। थोड़ा सा आप सहम बनाए रखें, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि हमारी सूची आई, आप ज्वाइनिंग में चाहे समय लग जाए, लेकिन थोड़ा तो इंतजार करिए। नियमों में शिथिलता की वजह से कार्यभाग में फैल गई है, उसको मैं जल्द से जल्द मंगवाकर 10 तारीख के बाद आपकी सूची जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। दोस्तों आपको पता है कि अभी आचार संहिता भी चल रही है और 10 या 12 तारीख से 10 तक ही है आचार संहिता, तब तक तो वैसे भी सूची नहीं आएगी। जो लोग केवल क्या बोलते हैं कि फेंकने का काम, और केवल ये कह रहे थे कि हाँ इतने दिन में काम हो जाएगा, केवल आप लोगों को मूल बनाने का काम कर रहे थे, जो पहले भी कहा था कि 10 दिन में हो जाएगा, और उस समय उनकी बात मिल गई क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, तो वो लगे कि हमने करो, फिर दोबारा आपको 25-30 सब लगातार तारीख दे। तो दोस्तों माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी का जो रेस्पॉन्स पॉजिटिव था, और अभी वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, फाइल कार्यभार हुई है, क्योंकि मैं खुद पता करके आया था, मैं डीएस डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन से मैं खुद मिल के आया था, उसके बाद मैं कार्यभार में जाकर आया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि कार्यभार से फाइल को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए, यानी कि 10 तारीख के बाद आपकी जल्द से जल्द सूची आए और आपके आदेश जारी हो, तो मेरे सभी जो थर्ड ग्रेड जो रीड शिक्षक 2018 फर्स्ट लेवल है सेकेंड लेवल है, उनसे मेरा निवेदन है, विशेषकर लेवल 2 वाले, कि जो लोग आपको गुमराह करते हैं, जो लोग आपके पैसे मांगने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों से बचकर रहना है, किसी को भी 1 रुपये नहीं देना है। हालांकि कुलदीप शर्मा को मैंने कहा था किस चीज़ के लिए, कि हम भी इस प्रकार एलडीसी के जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का कोविड-19 में सहयोग किया, उनकी सूची भी जल जारी है, तो मान लीजिए जिन लोगों का नंबर आ जाता है, तो हम भी कोविड-19 में सहयोग करें, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, धन्यवाद हो, और जिससे आपकी मृत्यु प्रक्रिया फास्ट हो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी मना कर दिया गया है, हमारी इच्छा ये थी शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जाए और मुख्यमंत्री जी तक बात के, तो उनका कहना यही है, अच्छा संदेश है माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि अभी आप बेरोजगार है और आपका अभी तक चयन भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका सहयोग हम लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही सूची जारी होगी 10 तारीख के बाद, जिन लोगों का नंबर आएगा, और क्योंकि सूची जारी होने के बाद आपको पता है काफ़ी प्रक्रिया बाकी रहेगी, ज्वाइनिंग की भी रहेगी, कैलेंडरी भी जारी होगा, काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग कई चीज़ें होगी, धन्यवाद देकर वो आपकी प्रक्रिया फास्ट हो, तो जिन लोगों का चयन हो जाएगा वो धन्यवाद देना, कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए तो आप कर सकते हो। कुलदीप को बार बार कह रहे थे क्यों कहा गया, हमने ही कहा था, क्योंकि जिस प्रकार एलडीसी का भी काम फास्ट हो रहा है तो आपका भी काम फास्ट हो। तो अब ये प्रक्रिया जो है, अब लिस्ट आने के बाद ही हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री को साथ लेके मुख्यमंत्री से मिलकर, कोविड जितना सहयोग है लेवल 1 वाले जी के शर्मा जी लगे हुए हैं, राजेंद्र कहा जी लगे हैं, लेवल 2 में भी हम
में फिर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद देना अपना फर्ज बनता है शिक्षा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, उन्होंने अपनी बात मानी है। आज भी करीब मैं 20 मिनट उनके साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ वहीं चर्चा की थी, बैठे थे, तो अच्छा इन्होंने रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आप शांति बनाए रखें, विश्वास रखें, हमारे संघर्ष की जीत हुई है। जो लोग फेंक रहे थे, जो लोग केवल एक अनुमान लगा रहे थे, उनके अनुमान सब फेल हो चुके, काम धरातल पे करना पड़ता है। हालांकि आज से पहले 2-3 बार मैं गया था तो, लेकिन मैं इतनी मजबूती से बात नहीं रखा था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रखा था कि मैं उन लोगों की भी ताकत देख रहा था जो लोग आपको गुमराह करते, तो सच्चाई आपके सामने है, आपके सामने सच्चाई लाने तक, क्योंकि उनकी जो तय समय तय सीमा दी थी कि आपको 25-30 तक काम हो जाएगा, तो कम से कम आपको पता लगे कि वो केवल फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और गाँव देसी भाषा में कहते हैं टप्पा मार रहे हैं, तो वो टप्पा उनका गलत निकल चुका है। लेकिन आज मेरे साथ और भी लोग थे, विनोद भी था, गणेश भी था, अभ्यर्थी मेरे साथ लिख लिख के अभ्यर्थी थे, शिक्षा मंत्री जी का अच्छा रेस्पॉन्स था। हमें समझना होगा कि इतने दिन हमें इंतजार किया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आशा सीता भी है, 10 तक मैं कोशिश करूंगा, 10 तारीख तक वो कार्य विभाग से फाइल आ जाए। रूल्स में बदलाव होगा, और रूल्स में यदि बदलाव होता है, होगा यदि क्या तो बदलाव होगा, तो 2016 उर्मिला कुमारी वाली हो या 2017 वाली हो, सभी भर्ती उसका उस रूल्स में बदलाव का फायदा होगा, यानी कि हमारे संघर्ष का फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो आज इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सूची कब जारी हो। हालांकि गलत निर्णय, गलत नेतृत्व की वजह से 2017 और 2016 वाले साइंस मेथ वाले और अंग्रेजी वाले भटक रहे हैं, लेकिन ये हमारा संघर्ष उनके भी काम आएगा। रूल्स में बदलाव होगा तो उनके भी उनके केस को, उनकी मांग को मजबूती मिलेगी। और उन अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूँ, पूरा सहयोग करूंगा, मुझे जहां भी याद करोगे निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहूंगा, क्योंकि एक और सूची जारी और आपको भी फायदा मिले, आपके भी सपने पूरे हो, जिस प्रकार 2018 लेवल 2 के हो रहे हैं। तो अब मेरा लक्ष्य यही है कि अब धरातल पे काम करके कार्य विभाग पे जाकर जल्द से जल्द जो रोज बदलाव हो फाइल को निकलवाना, उसके बाद वो शिक्षा विभाग में फाइल आएगी, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री जी के पास आएगी, शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद फिर वही शिक्षा विभाग से बीकानेर जाएगी, उसके बाद आपकी सूची जारी होगी। तो बस यही है कि 10 तारीख के बाद जल्द से सूची जारी हो और आपके नियुक्ति आदेश जारी हो। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सतर्क रहे इन लोगों से जो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब लोग समझदार हैं, इनकी बातों में नहीं आओगे। और इसके अलावा जो रीट 2020 के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि जो पहले मीटिंग हो चुकी है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से उसे फाइनल अनुमोदन होना है। शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जल्दी ही इस मामले में हम फैसला करेंगे, जल्दी ही विज्ञप्ति और परीक्षा को लेकर वो घोषणा करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद रीट 20 वाले भी कहेंगे कि हमें भूल गया, लेकिन दोस्तों आपका भी मामला चल रहा है, लेकिन ये पुराना मामला है, इनके 3 सितंबर को आदेश हो गए थे, इनकी बात रखना का मेरा कर्तव्य है, आपकी बात भी रखी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही सरकार रीट 2020 की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय लेगी। विभागीय जो मीटिंग हो चुकी है, सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, अब अंतिम अनुमोदन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा होना, उसके बाद घोषणा होनी है। अब मुख्यमंत्री जी कब हरी झंडी देते हैं, लेकिन यह जरूर है कि जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला होगा और आप सबको राहत मिलेगी। तो दोस्तों जल्द एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन 3 भर्ती के लेकर मैंने चर्चा की है, LBC पंचायत 2013, रेल शिक्षक भर्ती 2018 और नई रेल शिक्षक भर्ती 2020। जय हिंद, जय भारत।